हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट के सेशन में हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम क्या होता है ये सीखा था। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि इन्वेंटरी क्रिएशन कैसे करते हैं। तो हम एक छोटा शॉर्ट सम लेंगे, उसके ऊपर ही हम सम सॉल्व करेंगे इन्वेंटरी का। इन्वेंटरी का सम करने के पहले हमने कौन से फीचर्स ऑन रखे हैं, कौन से फीचर्स ऑफ रखे हैं ये देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको F11 प्रेस करना है। कंपनी का नाम जो है वो मैंने इन्वेंट्री क्रिएशन करके कंपनी सेव की है। तो मैंने तीन ऑप्शंस यहाँ पे येस रखे हैं, मेंटेन अकाउंट्स वो ऑप्शन येस करना है, मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये तीन ऑप्शन येस करना है एंड देन कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम सम देख लेते हैं। सम है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, क्वान्टिटी, रेट एंड यूनिट्स ऑफ मेजर। तो पहले स्टॉक ग्रुप आपको क्रिएट करना है क्लोथ्स, वेफर्स एंड ग्रॉसरी। तो पहले हम क्रिएट में जाके स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज क्लोथ्स, देन वेफर्स, कंट्रोल ए करना है, अंडर ग्रुपिंग प्राइमरी ही रखना है। ठीक है, वेफर्स के बाद है ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी भी आपको यस करना है। ठीक है, देन है आपको क्रिएट करना है आपको यूनिट्स ऑफ मेजर। तो आपको बैक एस्केप करके इन्वेंट्री क्रिएशन का मतलब जो मास्टर क्रिएशन है उसमें स्टॉक यूनिट क्रिएट करना है। पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, फिर यूनिट क्रिएट करना है। सिंपल टाइप सिंपल रखना है, सिंबल लिखना है MTR मीटर, देन है KG, के कैपिटल, किलोग्राम। ओके, अभी दो बार किलोग्राम है तो दो बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार क्रिएट करना दैट इज इनफ। देन अभी हम आते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करने के। तो आपको सिर्फ वापस मास्टर क्रिएशन की स्क्रीन पे आना है, देन आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। पहले है कॉटन, तो आपको कॉटन डालना है। अंडर ग्रुपिंग क्लोथ्स करना है, कैटेगरी हमने क्रिएट नहीं की है तो नॉट एप्लीकेबल करना है, और यूनिट्स यहाँ पे मीटर करना है। देन क्वांटिटी कितना है, 150, तो यहाँ पे 150 लेना है। रेट इज 60, तो वैल्यू आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देन सिल्क ये क्लोथ्स का ही टाइप है, नॉट कैटेगरी, नॉट एप्लीकेबल, मीटर। क्वांटिटी इज 100, रेट इज ऑल्सो 100, तो वैल्यू 10,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। देन है बनाना वेफर, तो आपको यहाँ पे अंडर ग्रुपिंग लेना है वेफर्स, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, केजी, क्वांटिटी है 10, रेट है 120। ओके, देन पोटैटो वेफर्स, ये रेट मैंने कुछ भी लिया है, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं कि मार्केट के रेट के हिसाब से ही लेना है, आपको सम सॉल्व करने के लिए ये लिया है। पोटैटो वेफर्स इज 20 kg, पर kg 140 rupees, तो वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। देन है राइस, तो आपको यहाँ पे राइस लिखना है, ग्रुपिंग ग्रॉसरी आएगा, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स kg, क्वांटिटी देखना है हमें 10, पर kg 40 rupees है। देन शुगर, अंडर ग्रुपिंग ग्रॉसरी, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, kg, क्वांटिटी इज 20 एंड रेट इज 50। तो हमारा इन्वेंट्री क्रिएशन है सिंपल से हो चुका है। तो अभी हमें जो भी इन्वेंट्री क्रिएट करने उसका समरी देखना है, इन शॉर्ट हमें स्टॉक समरी देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आके आपको S प्रेस करना है, या फिर आप एरो कीज का यूज़ करके स्टॉक समरी में आ सकते हैं। तो ये स्टॉक समरी ग्रुप वाइज आपको दिखा रही है, आपको और डिटेल में देखनी है तो आपको Alt+F1 करना है, तो स्टॉक समरी जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस डाल के हमने इन्वेंट्री क्रिएट किया है। ओपनिंग बैलेंस इन द सेंस ये स्टॉक समरी कैसी शो हो रही है, जो लास्ट ईयर का बैलेंस बचा है वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक है। तो ये हमारा जो है वो ओपनिंग स्टॉक जो है हमने क्रिएट किया है। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो। आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।